Hey guys, what's up everyone? My name is Dazishan Khan and welcome to another video of the Thakbastav. I'm gonna rip up your bed with a new exciting automated video. So, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली टू स्ट्रोक लवर्स के लिए होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ द RX 100 किलर, जिस गाड़ी को बॉस के नाम से भी जाना जाता है, विच इज़ नन अदर देन सुजुकी शोगन द बॉस. सो दिस इज़ द सुजुकी शोगन द बॉस, जिसको इंडिया में 1993 में लॉन्च करा गया था नवंबर में, और 2000 में इसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया क्योंकि ऑफ पोल्यूशन नॉर्म्स. और उस टाइम पे ये यंगस्टर की पहली पसंद थी क्योंकि ये पहली इंडियन बाइक है, और उस टाइम पे ये पहली 110cc की बाइक थी जो फेरी में आई थी. TVS Suzuki Shogun was one of the earliest bike that were brought to India for everyday use. It was powered by 108.2cc single cylinder two stroke engine that produces 14 bhp at 8500 rpm and 11.4 Nm of torque. The engine was mated to a 4-speed gearbox and helped the Shogun reach to the top speed of 105 km/h. The performance is actually comparable to the current generation 135cc bikes. स्पेशली इट्स नोन फॉर द यामा RX 100 किलर. और इस गाड़ी को स्पेशली RX 100 के राइवल में उतारा गया था बिकॉज उस टाइम पे RX 100 का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था. स्पेशली इसको यामा RX 100 के कंपेरिजन में उतारा गया था बिकॉज उस टाइम यामा RX 100 का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था. बट इसके अंदर जो TVS की रेसिंग टीम थी उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी और 110cc की बाइक में 14 bhp उन्होंने प्रोड्यूस करवाया. एंड स्पेशली इस गाड़ी को रेसिंग के लिए डेवलप करा गया था. अगर गाड़ी के डायमेंशंस की बात करी जाए तो गाड़ी की अगर आप लेंथ जो आप देख पा रहे हैं वो है 1895 mm. ओवरऑल वेट की बात करें तो वो है 725 mm. ओवरऑल हाइट की बात करें तो वो है 1053 mm. इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस जो दिया गया था वो 156 mm का दिया गया था. व्हील बेस की बात करें तो 1208 mm का व्हील बेस है और गाड़ी का कर्व वेट है 114 kg. गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको वाइज़र देखने को मिल जाता है. ये पहली ऐसी 110cc की गाड़ी थी जिसके अंदर आपको वाइज़र देखने को मिलता था. हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते थे और टर्न इंडिकेटर्स काफ़ी खूबसूरती से बनाए गए थे. फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इसके अंदर टेलीस्कोपिक ऑयल डैम सस्पेंशन आते थे, और फ्रंट ब्रेक की बात करें तो इसके अंदर 130 mm का डाई इंटरनल एक्सपेंडिंग ड्रम आते थे. साथ ही इसके अगर अपन फ्यूल टैंक की बात करें तो ये इसके अंदर आपको 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता था. और यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे आपको RPM मीटर भी देखने को मिल जाता है जो 8500 rpm प्रोड्यूस करता है. यहाँ पे आपको हाई बीम के सिग्नल देखने को मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर्स के सिग्नल, लो ऑयल का भी यहाँ पे आपको सिग्नल देखने को मिल जाता है. इसका जो क्लस्टर है वो काफ़ी खूबसूरत है और एकदम रेसिंग बाइक जैसा इसका लुक देता है. लेफ्ट साइड के कंट्रोल्स देखें तो यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स के कंट्रोल, हॉर्न के कंट्रोल, और यहाँ साथ ही आपको चोक भी देखने को मिल जाता है. वहीं यहाँ पे आपको राइट साइड में इंजन किल स्विच भी देखने को मिल जाता है. ट्रांसमिशन और गेयरबॉक्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 4-speed का ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है विद हाई स्प्रिंट गियर टेक्नोलॉजी जो जैपनीज मेड है. तो काफ़ी खूबसूरत इसको फेरी को डिज़ाइन करा गया है. ना इसके रियर सस्पेंशन की बात करें तो रियर सस्पेंशन में आपको स्विंग आर्म हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर विद कोएक्सियल स्प्रिंग देखने को मिल जाती है. और वहीं अगर इसके रियर ब्रेक्स की बात करें तो इसके अंदर भी आपको 130 mm का डायर इंटरनल एक्सपेंडिंग ड्रम मिल जाता है. रियर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो इसका रियर फेरी और टेल लैंप है और जो पिलियन ग्रैब हैंडल है वो गाड़ी की खूबसूरती को और बढ़ाता है और बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक जैसा इसको लुक देता है. ज़्यादा टर्न इंडिकेटर्स ऑफ द बाइक. नाउ इस गाड़ी की एक स्पेशल बात ये है कि इसके अंदर जो एग्जॉस्ट यूज़ करा गया है वो रेसिंग टेक्नोलॉजी एग्जॉस्ट है. अगर आप एग्जॉस्ट पे ध्यान दें तो ये दूसरी गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा अलग हटके, बिकॉज इसके अंदर कंपनी ने ब्लैक कोटिंग दी गई थी जो दूसरे एग्जॉस्ट से जो क्रोम फिनिश में आते थे उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छा लुक देती थी गाड़ी को. एग्जॉस्ट की खास बात ये कि इसको कंपनी ने ट्राइकॉन मेगाफोनिक रेसिंग साइलेंसर बनाया गया है जो दूसरी गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा लाउड है और बहुत टू स्ट्रोक में बहुत क्रिस्पी सा साउंड करता है. और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इसको रेसोनेटर बोलते हैं जो गाड़ी की पावर को और इन्हेंस करता है.
इस गाड़ी की सबसे खास बात ये भी है कि इसकी जो सीटिंग है वो काफ़ी कंफर्टेबल दी गई थी और इसको आप आराम से लॉन्ग राइड्स पे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग राइड्स आप इससे जा सकते हैं। और इस गाड़ी की जो इंजन की पावर है तो इसको 0 to 100 पहुँचने में सिर्फ 4.5 सेकंड्स लगते हैं, जो इस गाड़ी को 110 cc में सबसे तेज़ बताते हैं। और इस गाड़ी को आप आज के जनरेशन के 150 cc से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और कंपनी ने इसकी टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर क्लेम करी है, बट ये उससे ज़्यादा एफोर्ड जा सकती है। सो गाइज, अगर अभी तक आप लोग ने टू स्ट्रोक बाइक चला के नहीं देखी हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग टू स्ट्रोक बाइक ज़रूर एक बार चला के देखें, क्योंकि इस टू स्ट्रोक का एक अलग ही मज़ा है जो आपको फोर स्ट्रोक में नहीं आएगा। फोर स्ट्रोक का जो मज़ा है वो आप लोग को टू स्ट्रोक में नहीं आएगा। और वो टू स्ट्रोक कोई सी भी हो, सुजुकी हो, यामा हो, कोई सी भी हो, बट एक बार आप लोग ज़रूर चला के देखें, एक अलग ही फील आता है उसका। बात करें इस गाड़ी की तो ये मतलब इसका पिकअप इतना स्मूथ है, इतना एट अ टाइम जो ये इसका रिस्पांस मिल रहा है, इस गाड़ी को यामा से इतना बेहतर बनाता है। बाकी इसकी कंफर्ट की बात है तो इतनी स्पीड भी आप आराम से आपको मतलब बम मुझे फील नहीं हो रहा है। और मतलब स्टेयरिंग भी इसका हैंडल जो है वो इतना ज़्यादा यूजर तो उसको गाड़ी को चलाने का जो मज़ा है वो कुछ मतलब बता नहीं सकते, जितना अमेजिंग फील कर रहा। मैंने RX भी चलाई है, RX 100 यामा और RX 135 फाइव स्पीड भी चलाई है, फोर स्पीड चलाई, बट 100 cc की बाइक मतलब जो ये शोगन है इसका बता नहीं सकते, इतना ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है। ये टर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, रोड पर ब्रेक बना के चल रही है, यहाँ पर वेट करते हुए सेवन टाइम मिल गए तो यहाँ वेट कर रही है। केडी पे जो हो पाए थे लोग देख रहे हैं तो उनको पता ही केडी तो ज़्यादा ही डेट वाले लोग आते हैं, बट बैटरी बाइक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और आई विल रिकमेंड कि आपको एक बार टू स्ट्रोक जरूर चला के देखें, जो मज़ा टू स्ट्रोक में वो आपको फोर स्ट्रोक में नहीं आएगा, और फोर स्ट्रोक का मज़ा है जो आपको टू स्ट्रोक में नहीं आएगा, दोनों का मज़ा आप टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक के कंपेयर में सब कर सकते हैं। एंड वीडियो को ये एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय।